उत्तराखंड पर आसमानी आफत का अलर्ट, देवभूमि पर 72 घंटे भारी, चार धाम यात्रा पर लग सकता है ब्रेक, पहाड़ पर येलो और रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने देवभूमि पर 3 दिन के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र देहरादून ने राज्य में 20, 21 और 22 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। संवेदनशील इलाकों में मध्यम से भारी भूस्खलन और चट्टाने गिरने के कारण सड़क मार्ग भी बंद होने की आशंका है। सोमवार को भी बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। देश भर से लोग तीर्थ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। उधर सावन का महीना भी चल रहा है। ऐसे में शिव भक्तों के उत्तराखंड और खास तौर पर हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि आसमानी आफत की चेतावनी के बाद प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। बारिश के चलते छोटी नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए अगले 3 दिन मौसम के लिहाज से चुनौती भरे हैं, लिहाजा बाढ़ प्रबंधन अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कब और किस दिन कहां मौसम विभाग ने कौन सा अलर्ट जारी किया है। 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में 21 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज और कौन सा अलर्ट मौसम विभाग ने किस जिले के लिए जारी किया है। 21 जुलाई को नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी है। अलर्ट रुद्रप्रयाग और चमोली को लेकर है तो केदारनाथ धाम यात्रा और बद्रीनाथ धाम यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं 22 जुलाई की। इस दिन को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और हल्द्वानी जैसे जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साफ है अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में लाइव हिंदुस्तान आपसे अपील करता है, अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।